गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज न्यू ब्लॉग इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मैं निकलने वाला हूँ दिल्ली, और दिल्ली में है एमएमए चैंपियनशिप की प्रोफाइट, प्रोफेशनल प्रोफाइट, जो कि फाइट कार्ड मैंने अपलोड कर दिया है। और वो फाइट होगी 24 अगस्त को। तो अभी मैं निकल रहा हूँ ट्रेन में बनारस से डायरेक्ट न्यू दिल्ली। तो फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अभी हम चले निकलते हैं। बैग मेरा हो गया है कैरी रेडी, और ये मैंने लिया यार, मैं निकल रहा हूँ इधर से। देखिए सब कुछ इधर है। टाटा पाई पाए। चलिए अब हम निकलते हैं इधर से। पहन लिया नया शूज, अब निकलते हैं। दीजा को टाटा बोल के, हाँ टाटा पोटी, टाटा मैं आस हैं, टाटा ठाको मैं आस समझ गया हम जा रहे हैं। टाटा हाँ टाटा। चलिए हम निकल रहे हैं टाटा। तो ट्रेन लेके कितना देर तक आता है टाटा? आ गए हम स्टेशन बनारस। नंबर रोटी का नाम बनारस रख दिया गया है। आप से चढ़ेंगे अपन ट्रेन में। ट्रेन का टाइमिंग पास देखते हैं क्या होता है, ट्रेन का टाइमिंग पास देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 10:45 का बताया गया है। अभी ये सन्नाटा हमेशा रहता है 10:45 का। लग रहा है अभी भी पानी बरसा इधर। Q1 प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे आना है, 8 पे। चलिए चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं वहाँ पे दिल्ली में, और वहाँ पे कल सुबह तक ही हम लोग को प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी सीट मिला नहीं है। सीट स्लीपर है, तो अभी जाएँ देखें। कौन कौन बैठा हुआ सीट पर, उनको उठा के भगाया पहले, जाके पहले लात मार के फेंके तब जाके बताएंगे। और ये स्टेशन हमको बहुत ज़्यादा खाली लगता है और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे भी एक कहानी है बनारस स्टेशन का। तो आप ये देखिए थोड़ा सा नज़ारा। देख रहे हैं बनारस में दिल्ली। यह है अस्त्री। गाइस फाइनली सीट मिल चुकी है, और सीट मेरा एसिस है। तो अभी सोने जा रहा हूँ। तो मुझे कल सुबह न्यू दिल्ली में ट्रेन पर चल चुकी है, और सीट ऊपर वाला है मेरा। डायरेक्ट भी निकलूँगा मैं दिल्ली, ठीक है। तो सुबह हो गई है, पहुँचने वाले हैं बस 10-15 मिनट और। अभी पहुँचने वाले हैं, बस थोड़ा देर और लगेगा, बस पहुंच गए हम लोग। न्यू दिल्ली पहुंची तो यहाँ से निकलेंगे उधर।
कुरमा कुरमा पहुंच के आप लोग फोन करते हैं, भीड़ बहुत ज्यादा है। 10:36 हम लोग पहुंच चुके हैं। दुकान में आके पहले चाय पियेंगे, उसके बाद ही कुछ होगा, क्योंकि अभी इतना बहुत जो भूख भी लगी है, चाय पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेट कर चुका है जितना करता था, अभी पेट थोड़ा सा पूजा करेंगे, उसके बाद ही। दिल्ली का मौसम थोड़ा इस तरह का हाल है, देखिए दिल्ली का, ये स्टेशन के पास का है। ये खाना बन रहा है गर्म गर्म, गर्म पियेंगे आप ही चाय। अभी दिल्ली जा के कूलर चाय जिसको बोलते हैं, कूलर चाय ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा, ऑनलाइन पेमेंट तो हो जाएगा, सामने ही हुआ है। फिर निकलेंगे उधर काफी फाड़ा वहाँ बैठे थे, अरे उसके बाद गाइस ये रहा रूम और 103, चले अंदर, चलिए थोड़ा रेस्ट वेस्ट हो जाए, अभी तो कोई आया नहीं है। लॉक शेयरिंग होगा शायद, दो लोग रूम में पहुंच चुके हैं, देखते हैं। और महसूस कि उसमें खुले बहुत ज़्यादा भीगा भी किया है महसूस, और
थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि पूरा भीगा हुआ है यार, सूखा भी नहीं है। पूजा जाने थोड़ा फ्रेश होंगे, उसके बाद खाएंगे। हम तो खा भी नहीं सकते कुछ, कुछ खा नहीं सकते, किसी नहाना है, नहाना है उसके बाद फ्रेश फ्रेश होकर फिर जाना शाम को भेज देना फेस ऑफ ओवर वहीं पर। तो चलो जाके नहा दूंगा। गाइस कुछ खाने बहुत ही भूख लगा है, सैंडविच कर रहा है, कुछ खाने के लिए अभी हम देखो ये सब खाना भिजवा ही रहे बाहर जाता हूँ। सभी भूख होगा और देखिए अगर हम लोग आ चुके हैं और आपको कुछ भी दिखा दें सब छुप रहा है भाई देख लो ये स्माइल देख लो इसका ये ऑपरेंट है फूल का। तो पहले हम लोग साथ में रहते थे, अभी ये ऐसा लग रहा है हमको खा जाएगा देखा देखा के लिए अभी प्रॉपर कंप्लीट होगा निकल रहे आसन में थोड़ी देर बाद सौ होने के बाद वो आपका लुकआउट रहेगा प्रॉपरली, उसको किट बना के टाई करो, फाइटर्स को देखा रहेगा आपने कैसे कर रहे हैं। मेल्स के लिए भी सेम रूल लागू होगा, आपके बाल अगर बड़े हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, सामने वाले के हाथ में अटक रहा है, पैर में अटक रहा है, वो आपका लुकआउट होगा। सामने वाले को उसका एडवांटेज अगर मिल रहा है तो वहाँ फाइट स्टॉप नहीं होगा। जेल ऑयल लगाना नहीं है, किसी भी तरीके का स्प्रे मार के जेल लगा के ऑयल लगा के सर में बाल में अलाउड नहीं रहेगा। कल लास्ट मिनट में बताऊँगा कि निकाल नहीं पाओगे फाइट, वहाँ पर सेम बोल रहा है डिस्क्वालिफिकेशन का, ये सब डिस्क्वालिफिकेशन के रूल्स हैं जो आपको थोड़ा पहले बता कर, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखो। इसके अलावा कुछ भी डाउट है तो एक बार और पूछ लो, बाकी के रूल्स भी हम कर ले लेंगे। आपके वेट के हिसाब से 6 आउंस के 4 आउंस के जो भी ग्लव्स रिक्वायर्ड रहेंगे वो आपको दिए जाएंगे प्रमोशन के थ्रू, ठीक है। प्रो के लिए सिर्फ ग्लव्स रहेगा, हैंड रन के लिए हम वहाँ पर देखेंगे, फाइट के टाइम पे हम मॉनिटर करेंगे, कटमैन नहीं है। अगर आप पूछ रहे क्वेश्चन की कटमैन है आपको रैपिंग करेगा कोई, ये तो प्रो के लिए फिला कोई कटमैन नहीं है, वहाँ पर सर्टिफाइड होना चाहिए। हम लोग देखेंगे कि अगर प्रॉपर ज़्यादा बड़ा रहेगा टेढ़ा रहेगा तो नहीं चलेगा। फाइट के पहले विदाउट हैंडर नहीं अलाउड है, देयर हैज टू बी पुशनिंग, कुछ ना कुछ पुशनिंग आपका पुशनिंग होना चाहिए आपके नंबल्स पे, आपके रिस्ट पे, आपके थम पे। ओके, नॉर्मल बॉक्सिंग हैंडर, बॉक्सिंग हैंडर इज फाइन। वो प्रमोशन के सामने देखो रैपिंग करते टाइम एक
आपको दिखा के करना, वहाँ पर हम लोग बताएंगे कभी आपको करना, आप पहले से दिन भर उसको रैप करके नहीं घूमना है। जब फाइट चालू होगी तो आपको बताया जाएगी कि अभी आपकी फाइट एक एक करके बाउट क्लियर हो रहा है, आप रेडी हो जाओ। रेडी होते टाइम एक हमारा एसोसिएशन से फेडरेशन से एक वहाँ पर इंस्पेक्टर होगा जो मॉनिटर करेगा आपको, सो दैट दोनों अपोनेंट के लिए फेयर हो कि किसी ने कुछ अंदर डाला है नहीं डाला है, कुछ अलग तरीके से रैप किया है। रैपिंग का भी एक पर्टिकुलर रैप होता है कि आप 4 मीटर का यूज़ कर रहे हो, यू नो अगर आप बहुत यूज़ कर रहे हो तो 10 मीटर का होना चाहिए, तो वो सब हम लोग थोड़ा सा मॉनिटर करेंगे वहाँ, ठीक है। तो आपको हमारे सामने वहाँ पर रैपिंग करनी होगी, आप अपना रैपिंग करके पहले से नहीं आप आओगे तो उसको खुलवा के फिर से आपको रैप करवाएंगे, आपका टाइम वेस्ट हो। ये सारी चीज़ें थोड़ी छोटी छोटी हैं, वो पहले से आपको ध्यान देंगे। और कोई क्वेश्चन? जो शॉर्ट्स होंगे उसके अंदर भी नारे नहीं हो सकता? अंदर हो सकता है, बाहर भी कोई भी चीज़ विजिबल लटकी हुई नहीं रहती, लूज नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके पॉकेट्स हैं तो खुले हुए रहते हैं, जिप है तो जिप का आपका जिपर होगा वो लगता है ना, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए पूरे इस पर कहीं पर भी। अगर वो रहेगा इंस्पेक्टर चेक करेगा वहाँ पर, वो आपको फिर बोलेगा यार तो एक सर्टेन टाइम देगा 2-5 सेकेंड वह चेंज करो, नहीं तो फिर आपको फाइट वहाँ पर स्मार्ट लिया थोड़ा भी सिंगल चाहिए, कोई डबल हॉकी का लेके नहीं आना बाकी ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको कल वो बताऊंगा ऑर्डर, ठीक है, फाइट ऑर्डर जिसका क्या ओपोनेंट नहीं आया वो देख रहे हैं हम लोग बदल रहे हैं, ठीक है। तो वेट करेंगे थोड़ी देर, अगर ओपोनेंट आता है तो वेट करके उसका बाउंस। यहाँ से होटल होटल में जाके कुछ खाएंगे पियेंगे और रूम पार्टनर मिल गया है, साथ में चलेंगे हम लोग खाने पीने। तो अभी गली वली में चल रहे हम लोग, टोटो मिल नहीं रहा है, फोटो वोटो मिल जाए तब हम करते हैं। चुके रूम में, अभी थोड़ा देर बाद खाना वाना खाएंगे, खाना वाना खा के समय से कुछ खाए नहीं है, अभी खा के लेटेंगे, क्योंकि ओवर फाइट है और बंदा मेरा भी आराम कर रहा है। और मिलते हैं कल में, आज के लिए गुड नाइट। खाना आ गया, अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, भूख भी भूख लग रहा है, सुबह से कुछ खाए नहीं कल रात से, और आज रात को 10:30-11 बज रहा है, ये बंदा भी भूखा हुआ था, मेन इवेंट है इसका। अब लोग बैठ के चिकन की रोटी, पनीर है भाई, चिकन नहीं है, पनीर है, पनीर की सब्जी, नान, बैठ के आप लोग खा रहे हैं। तो हम लोग खा लें पहले, उसके बाद कुछ बात होगा। देखिए आइए यार, चटनी पूरा चटर पटर होगा, अच्छा है, बहुत अच्छा, बकवास है, 2 नंबर की एकदम घटिया टाइप है, स्वाद ही मिल रहा है खाने का। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी हो गया है फ्रेश फ्रेश करके, फ्रेश होके चाय में पिए, क्योंकि चाय चाय में पिएंगे तो वहाँ एकदम बैठ गए, चाय गरम गरम चाय। गरम बहुत बढ़िया चाय गाइस, चल रहे खाना खाने लंच करने, और बहुत अभी उठे तो ज़्यादा खाएंगे नहीं, तो अभी निकल रहे हम लोग। बंदा को देखिए, बंदा एकदम लूज मोशन हो गया सबका, हम लोग का एकदम लूज मोशन हो गया, फाइट से पहले हमेशा आता रहता है, पता नहीं ये सब आदत हो गया है। तो चलते हैं अभी, शूज पहन के रेडी हो जाए पहले। चल भाई, लोग नहीं लगा दे, नहीं उस एमरजेंसी को सामान है ले ले,
हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं और जा रहे धीरे धीरे आगे हम लोग। यहाँ का देख रहे किस साइड, चलो लोकेशन भेजा रहा हूँ तीन चार लोग ही है। यहाँ से पहले हम लोग को निकलना पड़ेगा। मेट्रो जहाँ पे पहले कि मेट्रो का काम ही चल रहा है तो देखते वहाँ पहुँच रहे थे क्या खाना होता है। पैदल नहीं निकलेंगे, 1000 मीटर पे है ना मंदिर है, साथ में हम अकेले। चलिए देखते क्या खाना बना है। फाइट होने वाली कुछ जगह है लगता नहीं है, उससे पूछो ना कहाँ गया वो। स्टाइल फॉर्म रिजॉर्ट में बोला था वहाँ जाने। क्या वहीं पे होगा जो होगा, शादी का हॉल है। इधर रिंग बनेगा, चलो अच्छा जगह ये है। खाना ले ले, खाना खा ले पहले। खाना है, शादी में हम लोग आए खाना खाने। सामने कूलर है, शादी में हम लोग आए खाना खाने, देख लीजिए और शायद समय लग जाए खाने खाते, अभी खा ले उसके बाद बात करते हैं। सो गाइस अभी नहा लिया है और अभी निकल रहा हूँ मैं वहीं पर, फ्रेश हो गया हूँ और मैं निकलूँगा अभी वहीं पर। तो फाइट अभी रात को शायद होने वाली है, तो मैंने व्हाट्सएप पिछले तक डाल दिया है कि मैं हार चुका हूँ। निकल रहा हूँ जल्दी क्योंकि वहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुका है और जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना है किसी हालत में। सब कुछ ले लिया मैंने, सॉस मेरा बाकी है, बस सॉस मैंने ले लिया, चलता हूँ वहीं पे क्योंकि बहुत लेट हो चुका है हमको। वहीं पे चलूँगा तभी जाऊँगा। चलिए वहीं पे चला जाए, ठीक है बैग रेडी, पैक, चलते वहीं पे। पहुँच गया मैं इधर और ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है,
हम लोग का बोर्ड इतना छुपा हुआ है, देख रहे करने वाला एक बंदा मिला मुझे को, बंदी मिली सॉरी, देखो वो देखेगी तो जलेगी एकदम बहुत ज़्यादा, अंदर है सबको, अंदर ही है, किसका कुत्ता नहीं पता मेरे पास आ गया है इसको थोड़ा सा लग रहा है वीक हो गया है। यहाँ पे फाइट अभी स्टार्ट होने वाली, अभी तक कोई नहीं है, तो रिंग प्रॉपर रेडी हो चुका है, ये देखिए पीछे रिंग है, थोड़ा हॉल वगैरह में हो रहा है तो जान ही लीजिए कितना हो सकता है, देख रहे पूरा लग रहा है शादी बिहार में आ गए हम लोग और ऐसा ही लग रहा है। और ये है ऑर्गेनाइज रघु भैया जो कि ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं इस वीडियो को, यहाँ पे जो ये सब हो रहा है ये ऑर्गेनाइज यही करवा रहे हैं, और ये थोड़ा नज़ारा देख लीजिए यहाँ का, और इसीलिए बोलते हैं कि ये सब बहुत महंगा लग रहा है इन लोग को, बट हाँ अच्छा खासा इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, अच्छा खासा रहने खाने का पूरा व्यवस्था किया हुआ है, और सब जगह से मतलब अच्छा खासा सब कुछ हो गया है, देखने में अच्छे लग रहे हैं मॉल वॉल वगैरह सब कुछ देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए सब फाइटर्स इधर ही खड़े हैं, और ये रहा रिंग, चलिए आपको लिंक दिखा दे थोड़ा, रिंग अभी तक प्रॉपर रेडी नहीं हुआ है, मैचर अभी भी स्टार्ट होने वाला है, प्रॉपर ये रिंग होगा, प्रॉपर ये रिंग होगा, और रिंग के बदले में अंग्रेज लोग भी बैठे हुए हैं फाइट देखने के लिए, ये बहुत अलग अलग टाइप के लोग आए हैं, और टिकट भी यहाँ की 2000 रुपये की है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, आप लोग रिंग कोऑर्डिनेटर देख लीजिए, यहाँ से कैमरा मैन भी चलेगा, ये प्रोफेशनल वाले हैं, और ये रिंग है 18x18 का केज होगा मैक्सिमम, और मज़ा बहुत आएगा ऐसा बता रहे जब रिंग होगा स्टार्ट। कॉफ़ी थोड़ा बहुत खा लेना चाहिए। AMI मार्शल आर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, हमारे जो रेफरी हैं आज के वो हैं सुरेंद्र पांडे जी। सुरेंद्र पांडे जी आर यू रेडी? हेलो हेलो, अरे गाइस प्लीज सेट डाउन, प्लीज बैठ जाइए, कृपया करके विराजमान हो जाइए, हमारे फाइटर्स आप लोगों के लिए तैयार हैं, बस आप क्यों तैयार नहीं है, यू गाइस आर नॉट रेडी कर दिया रघु भैया बुला रहे गाइस, चलो फाइटर्स अंदर हैं, तो आप लोग एक फाइटर से रिश्ते आ रही है बैटर रिलेटिव्स ऑफ फाइटर्स, प्लीज गाइस सो शो सम एनर्जी गाइस प्लीज, गेना गेना उड़ो या आई कांट गेट ओवर नो कालू देख के पूछ ला रहा है, अरे जैसे ही बाहर आए, बाहर आने के बाद अरे महादेव नहीं भाई देखो अपना भाई बेल्ट ही था, हाँ उधर से हाँ बेल्ट कहाँ का है भाई? ये तो अपन माफी जीते थे ना यार, नेशनल का है, नेशनल का है, हाँ शाबाश भाई, भाई का अलग ही अंदाज है, जाओ भाई अंदर जाओ, इधर इधर
तू राजा तो एक मास्टर अंदर केज में। हां सुरेंद्र सर अंदर केज, सब अंदर, सब अंदर, रघु वो सब अंदर। Guys, fight will be started and soon ये बंदा मेरा मुंबई का दोस्त आया है। हाँ वो शाम में फाइट स्टार्ट। छोटा बच्चा क्या नाम रखे भाई इसका? मोहम्मद अली। नाम इसका मोहम्मद अली। क्या हो गया मेरे तरफ, क्या देख रहे हो? लड्डू खाना है, लड्डू खाना है, लड्डू खाना है। क्या हो गया, क्या क्या हुआ? इधर ताको, इधर ताको, इधर ताको, इधर ताको। हाँ देखो स्माइल करो, स्माइल स्माइल। ये जिसके पास मुंबई गया था अगली बार, तो दोस्त का लड़का है मोहम्मद अली नाम रखा उसका। ये देखो फाइट अभी चल रही है। शंकर आराम से खेलियो, पीछे आ जा, पीछे आ जा, पीछे आ जा, आराम से फाइट स्टार्ट होगी। इजी 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 इजी। ओके चल शंकर, इजी खेलो, चल चल नॉकआउट मारना है। इजी शंकर बॉडी इजी, बहुत सही भी शंकर, गुड वन, गार्ड अप, गार्ड अप, गार्ड अप शंकर, गार्ड अप, गार्ड अप। हां कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मारो गार्ड अप। हो गया नॉक हुआ। अरे प्रो खेल रहे हैं, खड़ा हो गया था। अरे प्रो खेल रहे हैं, ठीक है भाई, प्रो का शॉप से खड़ा हो गया था वो। हां खड़ा हो गया था वही बोल रहा हूं मैं। कम ऑन मैन, कम ऑन, जल्दी रोक दिया। हाँ मैं तुरंत उठ गया, उसके बाद भी रोक दिया। भाई आपको क्या लगता है? हाँ किसी से भी पूछेंगे ना बोलेंगे रॉन्ग था, रॉन्ग था ना। अब आप लोग बताइए, वीडियो देखो ऐसे क्या सही है बोल, वहां पे देखो फाइव सेकंड में बहुत ज्यादा बड़ा डैमेज पड़ा है, बड़ा बात डैमेज से रॉक डाउन हुआ था, तुरंत तुरंत टूट गया, उसके बाद भी रोक गया उसने। लग रहा है किसी का ब्रास निकल गया। बहुत जल्दी रोक दिया नहीं, ये स्प्लिट डिसीजन था, बेकार था कि सही था? अबे तू नॉक हुआ है।
जल्दी उड़ गया ना, जल्दी उड़ गया ना, जल्दी उड़ गया, मैं तेरे ऊपर चढ़ गया था मारने के लिए। हाँ तो जो रोक दिया नहीं, क्या हो गया दांत में, दांत देखो, अरे यार टूट गया क्या? हाँ शायद, शायद दबला क्या था, टूटा नहीं होगा, टूटा नहीं है वो, सूझ गया मैच लग गया तो क्या दीवार खराब हो गया तो बम बम चलो हो गया कहता था मेरा ग्वालियर में कैटरी है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बताना अनपेयर। हाँ अनपेयर फिर डिसीजन है आपको भाई? भाई डिसीजन कैसा था मेरा? एक नंबर था। अबे मेरा डिसीजन नहीं, रेफरी का डिसीजन कैसा था? नहीं बहुत जल्दी बोल दे दिया ना, एक मिनट का हो जाना चाहिए। अरे फिर भी अब एक सेकंड के ऊपर उठे उसके बाद नहीं होता जब तक चलने देते। आप बताइए दीदी, अब मैच हो गया, मैच के बारे में सोचने के उससे नहीं नहीं, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी दे दिया ना, प्रो में रोकना पड़ता है, इतना जल्दी डिसीजन नहीं देना चाहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय श्री राम, खत्म।